तो कल का रिपीट। ठीक नमन हाँ सर, फिर कार्तिकेय। हाँ कार्तिकेय, कल का रिपीट ना, कल का रिपीट। का होमवर्क पूछ रहे हो आप। हाँ नहीं किया कार्तिकेय। मैंने सर कल वाला मैंने भी नहीं किया हाँ सर। दोनों के पेरेंट्स को मैसेज करता हूँ, लापरवाह हो रहे हो, लापरवाह है ना। मेरा आज टेस्ट था। आज सर दोनों के पेरेंट्स को मैसेज करता हूँ, मेरा भी टेस्ट है, उसका कर रहा था। कब मेरा यार। बैक टू बैक सारे टेस्ट है सर, मुझे उसे कर दो सर, मैं देख लूंगा। आज दोनों के पेरेंट्स को मैसेज करता हूँ कि होमवर्क नहीं कर रहे दोनों। छोड़ दो सर, छोड़ने का देखिए, छोड़ने से कैसे काम चलेगा, छोड़ने से कैसे काम चलेगा। बच्चों क्या कर रहे थे, हम डोमेन रेंज कर रहे थे। कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें बताई थी। वो बातें, दो बातें क्या थी, कौन बताएगा। डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होनी हाँ चाहिए। कोई भी फंक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी नमन। और की जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अंडर रूट चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, यस। अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक यस। है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मैंने ये कहा था। ठीक है देखो बच्चों, कल हमने काफी क्वेश्चन किए थे कि एपेक्स इज इक्वल टू 1/(x-2), तो इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो x 2 नहीं हो सकता। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। यही किया था ना कल। यस नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू √x, तो मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, fx इज इक्वल टू √x, तो x की वैल्यू आप क्या, x को आप क्या इनपुट दे सकते हो, x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो उस क्वेश्चन रियल में। नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट, जीरो टू इनफिनिटी। एक्सेप्ट नेगेटिव, एक्सेप्ट नेगेटिव मतलब आप नेगेटिव वाले ये जो नंबर है ये आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप क्या रख सकते हो फिर जीरो के बाद, इंक्लूडिंग जीरो आप कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आप रख सकते हो। आप क्या नहीं रख सकते, एनी नंबर लेस देन जीरो आप नहीं रख सकते। आप ऐसा कोई इनपुट आप नहीं दे सकते। ठीक है, सो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका ऑल रियल नंबर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की साइड से इंटरवल हमेशा ओपन होता है और जीरो की साइड से हमें क्लोज करना है, क्योंकि हम जीरो को रख सकते हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन था सर, सर इन्फिनिटी वी अज्यूम एट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर्स है ना, इन्फिनिटी का तो कुछ पता ही नहीं इन्फिनिटी। कि क्या है वो। हाँ सर, बट इजंट इट द लास्ट नंबर इन द नंबर सिस्टम, जो भी लास्ट नंबर होगा। इन्फिनिटी कोई नहीं, नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट एनी नंबर, लास्ट नंबर ही नहीं है। कोई लास्ट नंबर ही नहीं है। आप जहां तक गए उससे और आगे, फिर जहां तक गए उससे और आगे, जितना बड़ा नंबर आपने सोचा उससे और रिफ्रेश आगे, करता है, एंड ऑफ द नंबर्स कोई जो एंड भी नहीं है बात नंबर्स का। कर, एंड होगा ना सर, जितना पेज होता है तो अगर एंड होता है नंबर्स आपका। का एंड होता तो हम ब्रैकेट को राइट हैंड साइड से क्लोज करते। यहां पर है जैसे 2 का एंड, एंड पॉइंट इज 2, तो 2 की साइड से क्लोज हुआ। इन्फिनिटी की साइड से कभी भी क्लोज नहीं होता। उसका रीजन यही है कि ये कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि ये लास्ट नंबर हो। आपने जैसे 2.9 लिखा, 2.9 के बाद अगला नंबर 2.99, उसके बाद अगला नंबर 2.999 एंड सो ऑन। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है ऐसे ही इन्फिनिटी पे भी होता है कि एक आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो उससे और बड़ा, फिर आपने और बड़ा लिख दिया उससे और बड़ा,
ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर, कोई लिमिट नहीं है कि कहां पर इंफिनिटी होगा. सो ब्रैकेट फ्रॉम द साइड ऑफ इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन, राइट. इंफिनिटी इज नॉट एनी पॉइंट, इट इज जस्ट एजम्पशन कि लार्ज लार्ज एंड मच लार्ज नंबर, जो भी नंबर आप सोच सकते हो उससे लार्ज, आपने और कुछ सोचा उससे भी लार्ज, ठीक है. सो ब्रैकेट फ्रॉम द साइड ऑफ इंफिनिटी विल बी ऑलवेज ओपन, यह आपका डोमेन होगा. अगर कोई बच्चा मुझे ये बता देता है इसका डोमेन, बता सकता है कोई? देखो बच्चों, आपको एक माइंड में बात याद रखनी है, सेकंड पॉइंट हमारा डोमेन के लिए, कि अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, राइट. तो यहां से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन माइनस वन. आप x को माइनस वन से ग्रेटर कोई पॉइंट रखोगे, इन दैट केस जो अंदर टर्म है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है. नमन, यस सर, अपने साथ साथ लिख लेना बेटा, और कहीं रुकना हो तो मुझे बता देना, मैं लास्ट में पीडीएफ मंगवाऊंगा. मैं जो देख रहा दिखाई दे रहा है दोनों बैठे हैं लिख नहीं रहे हैं. यू वांट टू गो? लिख रहे सर. ओके, कितने सम किए उसने? ओके चलो बोल दो. एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, सो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए माइनस वन टू इंफिनिटी, या इक्वल टू का साइन लगा है तो यू कैन इंक्लूड माइनस वन, माइनस वन टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन होगा. ठीक है, जैसे अच्छा ये जिसने बताया ही विल बी रियली इंटेलिजेंट, इसका डोमेन क्या होगा, कौन बता सकता है? जो इसको बताएगा ही इज इंटेलिजेंट. तो सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स. नमन ने कहा सारे नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जीरो से लेकर इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी तक. जीरो से लेकर माइनस इनफिनिटी तक. दिमाग तो भगवान ने कूट कूट के भरा हुआ है नमन में, सर सही बोला सर, चलता है ना, पर हाथ नहीं चलता. दिमाग तो भगवान ने नमन में इतना कूट कूट के भरा है कि कई लोगों का एक ही आदमी के अंदर इकट्ठा कर दिया, है ना सर. आपने बिल्कुल ठीक बताया कि माइनस इनफिनिटी से जीरो, जब माइनस इनफिनिटी से जीरो तक बोलते हैं तो पहले माइनस इनफिनिटी बोला जाता है, बाद में जीरो, एक बात. दूसरी बात बच्चे, आपने एक वर्ड गलत बोल दिया, इंटीजर, इंटीजर नहीं रियल नंबर्स. इंटीजर्स में yes. तो सिर्फ ये नंबर आते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. हम डेसिमल वाले नंबर भी रख सकते हैं. सो माइनस इनफिनिटी से लेकर जीरो तक जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, क्योंकि हम डेसिमल वाले पॉइंट भी यहां रख सकते हैं. तो इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इनफिनिटी टू जीरो. ऑल राइट कार्तिक, तो नमन बाजी मार गया. हाँ सर. सर मुझे क्वेश्चन था, इसका रेंज कैसे लिखेंगे? आएंगे बेटा एक साथ, मैं दोनों इसलिए नहीं कर रहा करवा रहा कि कंफ्यूज हो जाओगे डोमेन और रेंज में. तो पहले डोमेन एक सेपरेट पार्ट कर देते हैं, फिर रेंज कर देंगे. मेथड यही होते हैं, थोड़ा सा बस एक दो स्टेप्स में डिफरेंस होता है. डोमेन ये हो गया. वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत ये सिंप्लीफाई करके दिखाना हो तो मैंने आपको ये बताया कि रूट के अंदर जो टर्म है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए. तो आ गया हमारे पास माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको जब इनइक्वालिटी पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है. तो ये माइनस एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा. और जीरो का माइनस तो जीरो ही होता है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये उसका मीनिंग होता है.
ठीक है चलो अपना अपना सिंप्लीफाई करो नोटबुक पे, फिर मुझे दिखाना। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू, इसका डोमेन बताना है आपको। सर एक्स इज ग्रेटर दैन सिंप्लीफाई करना है, लिखना है जैसे मैंने ये लिखा है। स्टेप से जाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा मैथमेटिकली। चलो हो गया सर, तभी भी मेरा भी हो गया। सर हो गया। वो करते हैं कि टेबल कौन से लिखो, तो यहाँ बैठ के लिखो फिर। x is equal to root of x minus 2। हाँ बताओ बच्चों आपने क्या किया, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x minus 2 must be greater than, दिखाओ आपने क्या किया। यही मम्मा को साथ बिठाओ। बोलो नमन का बिल्कुल ठीक है, कार्तिकेय का गलत है। नमन अपना सम दिखाओ कार्तिकेय को। यस सर। कार्तिकेय अपनी गलती ढूंढो। नमन का भी गलत है। वो अंडर रूट पूरे इस पर नहीं है। नमन का भी गलत है। सर अंडर रूट तो पूरे इस पर है ना। x minus 2 must be greater than 0. नमन ने लिखा हुआ है less than 0. सर वो सर 2 उधर जाएगा तो x greater than 2। मैंने लिखा है x must be greater than or equal to 2। तो यहाँ से आएगा x is greater than or equal to 2। ठीक है मैंने वही लिखा, मैंने वो पहले वाला स्टेप लिखा नहीं। मेरा गलत क्या है सर, समझ नहीं आया क्योंकि सही क्या बताऊं। बस वो क्लोज इंटरवल होगा। यस बेटा इंटरवल की तो बात है, मैथमेटिक्स में इतनी गलती तो बहुत बड़ी गलती होती है। अगर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपने ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ और आपने ओपन इंटरवल वाले पे टिक कर दिया, इट मींस योर सम इज कंप्लीटली रॉन्ग, यू विल लूज कंप्लीट वन मार्क। पता सर मैंने सोचा कि जीरो आ रहा है, मैं दूसरे वाला रूल पे चला गया इसमें। यू सिंपली वांट टू से सर आई एम वेरी केयरलेस, ये छोटी छोटी चीजें में ध्यान ही नहीं देता। सर इतना भी नहीं बुरा हूँ मैं। ऑल राइट नमन आपको गलती समझ आई। सर मैंने ठीक यही लिखा हो, मैंने बस मतलब बेटे आपने यार तो मैंने वो साइन उल्टी था। हाँ सर आ गया सर, आपने ये लिखा है। आ गया सर, उससे कुछ आंसर आ ही नहीं सकता बेटे। यस सर मैंने कर लिया ठीक हो तो। चलो fx is equal to root of 3 minus x करके दिखाओ फटाफट। शाबाश दोनों बच्चे सॉल्व करो, मैं नोटबुक देखूंगा। गया सर लिख दिया। हाँ दिखाओ। बिल्कुल गलत। क्यों सर सही तो है।
नमन दिखाओ सर, एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ, x जो है वो स्मॉलर देन 3 होगा सर। करो नमन, करो पहले सर, एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ। बस सर मैंने 4 3 नहीं लिखा, 4 लिखा और ओपन इंटरवल कर दिया क्योंकि ओपन में अच्छा लग रहा था। ठीक है, एग्जाम कर ले। नहीं, कल मेरा इकोनॉमिक्स है, उसके बाद अकाउंट्स, उसके बाद मैथ्स है, व्हिच इज ऑन फ्राइडे। गलत है। देखो बच्चों, 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। एक्स 3 से छोटा होना चाहिए या 3 के इक्वल हो सकता है, ठीक है? तो x 3 से छोटा हो सकता है। माइनस इनफिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। x 3 या 3 से छोटा हो सकता है, तो 3 भी तो हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो क्या आएगा डोमेन, क्या आएगा? 3 से स्मॉलर, 3 से स्मॉलर, माइनस इनफिनिटी टू 3, और 3 की साइड से क्लोज इंटरवल आएगा। छोटा होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता। तो बेटे उस केस में आता माइनस इंफिनिटी टू 3, और 3 की साइड से आता ओपन इंटरवल। माइनस इंफिनिटी will be always open. आप यहाँ 4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 और 4 के बीच में infinite number होते हैं। 3 है, ये 4 है, ठीक है? इनके बीच में infinite number होते हैं। आपने यहाँ 4 लिख दिया, तो interval बन गया minus infinity to 4। तो आपने ये infinite extra number यहाँ पर लिख दिए। 3 से 4 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर एक्स्ट्रा हैं, वो आपने और ऐड कर दिए, जबकि वो तो क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। आपने एक दो नंबर नहीं लिखे वहां पर आपने इनफाइनाइट नंबर ऐड कर दिए, राइट? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। So, ये ऐसे होना चाहिए आपका। क्लियर हुआ नमन? देखो आप यहां पर 3 या 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर रखेंगे, 3 रखेंगे, इट विल बिकम 0, राइट? 3 रखते हैं, इट बिकम्स 0, और 3 से अगर आप कोई स्मॉलर नंबर रखते हैं, 0 हो सकता है, 0 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता है, 0 बस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। If you have a denominator in the question, तब आपका नीचे 0 नहीं हो सकता। अंडर रूट के अंदर 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 3 से स्मॉलर आप कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव नहीं होगा। मतलब ये वाला आपको क्लियर नहीं होगा। चलो fx is equal to root of x minus 5, ये बताओ। हो गया सर, हो गया। बताओ क्या आया सर? x should be greater to or equal to 5। नोटबुक चेक करवाओ सर, एक सेकंड। हेलो, जय माता दी।
कार्तिकेय का ठीक है, इस बार नमन का गलत है। नमन, यस सर। एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस सर। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव। बेटा आप नंबर लाइन बना लिया करो। मैंने यही तो लिखा है। हाँ बेटे हाँ, फाइव से बड़ा, फाइव से बड़ा इधर होता है नमन, तो इसमें सबसे छोटा पॉइंट फाइव होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा वो फाइव होगा बेटा। तो पहले स्मॉलर इंटरवल जब भी लिखते हैं तो पहले स्मॉलर पॉइंट लिखा जाता है और लार्जर बाद में, ठीक है। तो और यहाँ पर इक्वल टू है तो ये माइनस इनफिनिटी है ना, लेकिन बेटा x 5, अच्छा नहीं, हाँ अच्छा हाँ, x 5 से बड़ा तो राइट हैंड साइड पे होगा 5 के, यस सर, ठीक है। तो ये आपका डोमेन आएगा। चलो ये बताओ, सर एक्स होगा ठीक है, नमन ने किया 3x माइनस 6, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, अब 3 उधर जाएगा तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नमन मैच करो। टू या टू से बड़ा होना चाहिए। यस सर, मैंने वो मेरे को यही पता था, मैं हर रोज में गलती कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। x 2 से बड़ा है तो डोमेन क्या होना चाहिए नमन फिर? सर 2 और इनफिनिटी। 2 टू इनफिनिटी, 2 और इनफिनिटी नहीं बेटा, 2 टू इनफिनिटी। यस, और 2 की साइड से क्लोज इंटरवल आएगा। तो मेरा यही है पूरा, बस मैं एरोस उल्टे लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाता है बेटा। उतने से तो सम गलत हो जाएगा नमन। सो यस, fx इज इक्वल टू 12 माइनस 4x, करो इसका डोमेन फाइंड करो। दिखाओ शायद कार्तिकेय ने कोई एरर की है। कार्तिकेय रीचेक करो, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, वो न मिस्टेक आंसर, नमन ने आंसर सही लिखा है बट कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक यहाँ पर नमन की भी है। नमन ने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग जो डोमेन लिखा है वो तो फिर गलत हो जाता है, बट उसका फाइनल आंसर सही है। देखो बच्चों ध्यान दो पहले, इधर दोनों बच्चे माइनस फोर एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस फोर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व,
इस माइनस को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। नमन ने ये नहीं किया तो एक्स आ गया लेस देन इक्वल। फिर पर हम नॉर्मली ऐसे भी तो करते हैं, अगर दोनों माइनस एक्स और माइनस थ्री है तो हम उसको सीधा एक्स और थ्री कर देते हैं। नहीं, माइनस काटते हैं कभी नहीं करते, वो करते हैं हर बार हम माइनस काट देते हैं दो साइड, वो करते हैं सर हमेशा से, वो तब करते हैं जब बीच में इक्वल टू हो। जब आपने इनइक्वलिटी स्टडी किया था तो मैंने आपको यही सिखाया था कि इनइक्वलिटी में आपने अगर माइनस ऐसे कैंसिल कर दिया तो सम गलत हो जाएगा। इनइक्वलिटी में दोनों साइड से अगर माइनस आप कैंसिल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एक साइड से माइनस दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग डोमेन क्या आना चाहिए, थ्री से लेस, थ्री से लेस होगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी, थ्री की साइड पे इक्वल टू आएगा, तो ये होगा। नमन का फाइनल आंसर तो ठीक है, बट नमन का ये वाला पार्ट गलत है, उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं हो सकता। सर मैंने तो ये किया कि अगर हम कोई भी अगर हम कुछ पॉजिटिव डालेंगे तो फिर वो जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर हम कुछ नेगेटिव डालेंगे तो क्योंकि माइनस वो है तो मल्टीप्लाई हो गया आपका। Yes, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं था, ठीक है सर। चलो इसको करो, हो गया। ओके सर, नमन दोबारा दिखाओ। यस ठीक है नमन, दिखाओ कार्तिक। ठीक है, ब्रैकेट पे सारा दम लगा दिया कार्तिक ने, है ना। तो वो गलत बन गया था सर, तो ढंग से शेप करना पड़ा। चलो इसको ओके सर बताओ। गुड ठीक है सर, ठीक है। नमन आप दिखाओ। ठीक है शाबाश। चलो बच्चों ये बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, हो इज इंटेलिजेंट। टेक्निकल है बस, ज्यादा कुछ नहीं है सर। सारे जीरो से इंफिनिटी,
लिख के दिखाओ। सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता, बट मुझे पता आंसर कैसे मिलेगा क्योंकि फॉर्मूला में नहीं कर पाऊंगा मैं। सर इसमें मुझे भी इसमें तो डायरेक्ट पता आंसर क्या है, कोई ज्यादा फॉर्मूला ऐसा है डायरेक्ट आंसर है ना। हां ठीक है सर। नवीन ये जीरो की साइड से ब्रैकेट कैसा है? सर मतलब क्लोज ब्रैकेट है। दिस इज ब्रैकेट 1 एंड दिस इज ब्रैकेट 2। आपका जीरो की साइड से ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 है सर। 2 1 होना चाहिए। इसका मतलब हो जाता है बच्चे जो पॉइंट यहां लिखा वो भी इंक्लूड है। तो पर हम जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं? जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता। और ये देखो डिनोमिनेटर में लिखा है x। सर बट हम 0.1 कर सकते हैं। 0.1 सब रहता है। 0.1 और 0 के बीच में बेटा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। अगर आप ऐसा लिखोगे 0.1 सर 0.1 इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट 0। 0 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो आपने छोड़ दिए। ये 0 है और ये 0.1 है। आपको आंसर लिखना है या sir, ये सारे नंबर भी आपके आंसर का पार्ट थे। आपने अगर यहां से लिखा तो ये सारे नंबर आपने छोड़ दिए। It means you left infinite real numbers, not singular. Infinite number छोड़ दिया आपने। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम 0.1 x में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। मेरा बस हम 0.1 x में डाल सकते हैं। That is greater than zero. Okay. But आप open interval में zero के जगह मतलब open है यहाँ से और ये infinity है। आप यहाँ पर 0.1 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है इसका वो समझ गया कि आपने ये इनफाइनाइट नंबर छोड़ दिए इनके बीच के। वो समझ गया। बिटवीन एवरी टू रियल नंबर ऑन नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स। नमन आपको क्लियर हुआ बेटा इसका डोमेन क्या होगा? यस सर। नमन कह रहा है सर थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? नहीं सर। x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स रूट। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। कौन है वो इंटेलिजेंट पर्सन? सर हो गया। दिखाइए नमन। कार्तिक आप दिखाओ। सर हाँ मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी किया। नमन आपने वन के साइड में कौन सा इंटरवल लिखा है? सेकंड वाला जो आपने मतलब पहले किया था। अच्छा नहीं सर 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 वो ओपन वाला होगा। फर्स्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला होना चाहिए क्योंकि अगर वन इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। यू कांट इंक्लूड वन अदरवाइज योर डिनोमिनेटर विल बी जीरो। सर आगे सुनिए। कार्तिक दिखाओ। सर बाकी तो सब बाकी सही है ना? बाकी ठीक था। माइनस इंफिनिटी टू वन कार्तिक का है। ठीक है कार्तिक। पर कार्तिक अच्छा ठीक है चलो चलो ये बताओ fx is equal to root x over 1 minus x। fx is equal to root x over 1 minus x। इसमें दोनों कंडीशन चेक होंगी।
सर जीरो क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल. यस कार्तिक. सर जीरो क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी. दिखाओ बेटे, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा. तो मैंने फॉर्मूला से मुझे समझ नहीं आया, मैंने दिमाग लगाया. जीरो टू इंफिनिटी. क्या नमन आप दिखाओ. माइनस इंफिनिटी टू वन. देखो अब मैं बताता हूँ. तो वन अपॉन टू है. नहीं बेटे, वन अपॉन टू नहीं हो सकता. बच्चों एक बात बताओ, एक तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि नीचे 1 माइनस एक्स है और 1 माइनस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो यहां से आ गया माइनस वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. कट करोगे माइनस, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन. एक्स वन नहीं हो सकता. एक बात. सेकेंड पॉइंट, ये एक्स रूट के अंदर है. So x must be greater than or equal to zero. x zero से बड़ा होना चाहिए. x अगर zero से बड़ा होना चाहिए तो ये हो गया zero to infinity. लेकिन zero to infinity के बीच में तो one भी आ जाता है. तो या तो आप ऐसा लिखिए फिर कि one हटाना है यहां से, या आप क्या लिखना चाह रहे हैं. आप लिखना चाह रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी और इस वन को छोड़ना चाह रहे हैं आप. तो आपको लिखना पड़ेगा जीरो. जीरो को आपको इंक्लूड करना है तो जीरो की साइड से क्लोज इंटरवल. जीरो से लेकर यहां तक वन तक, और वन को आपको छोड़ना है तो वन की साइड से ओपन इंटरवल.